वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इस एपीसोड विच असीं जाणांगे हरिमंदर साहिब विच हरियाली अते बेरियां दी संभाल बारे। इस विच कोई अतकथनी वाली गल नहीं कि हरिमंदर परिसर विच जो कोई भी फुल बूटा लगाओ वह हरा हो जाता है, पर इस गल पिछे बड़ी अश्चर्यता जां इवें कह लवो कि अकाल पुरख की मेहर तां जरूर अनुभव हुंदी ही है। परिसर विच आप मुहारे उगे चनार दे दरख्त भी हन जो आम करके बर्फीले पहाड़ा विच ही जीवित रह सकते हैं। वह हरिमंदर लई बर्फा ते पहाड़ा दा ठंडिया सर्द हवावां दा सत्कार लेके आए हैं। गर्म ते नीम गर्म रुत दे दरख्त पौधे भी हरिमंदर विच अपनी हाजरी लगवाण दी मर्यादा पूरी करते दिसदे हैं। निमाणिया बेरिया की माणजनक पहुँच तो हरिमंदर साहब दी परिक्रमा विच होई पई हर यात्रू नूं जी आया कहिंदी है। नितानियां नूं जस माण ते त्राण देण दी गुरसिखी भावना दे ऐन मुताबक ही हरिमंदर ने भी इस हलीमी नाल भरे रुख नूं ही अपने वेहड़े विच सजाया है। नेड़ता बख्शी है, वड्डा माण बख्शिया है। इन्हां बेरियां ने जरूर छां दित्ती होवेगी अठ गुरु साहिबान नूं जिन्हां ने किसे ना किसे समय इस धरती नूं अपनी पवित्र छूह बख्शी। इन्हां ने भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा जी, भाई बनो जी अते कई होर महान गुरसिखां दी भरपूर संगत भी जरूर माणी होवेगी। इन्हां ने सुख दिता है यात्रुआं नूं, वसेबा बख्शे है पशु पंछियां नूं। हरिमंदर दी संगत विच रहण कारण इन्हां ने भी बस देण दा ही सबक सिख्या है। सब किसे नूं सब कुछ देण दा, हर वक्त देण दा, बिना भेदभाव देण दा। पर इन्हां काम ते इन रूपी बेरियां दी इस त्यागी बिरती तों लाभ लैण लग्या सानूं इतना ख्याल जरूर रखना चाहिए कि इन्हां नूं सदीव समय तक जीवित रखण लई असीं घिओ आदि वाले हथ इन्हां नूं ना लगाईए। हुण ही डाक्टरां दी सलाह ते इन्हां दीआं जड़ां दी पहली मिट्टी कढ के नवीं जैविक मिट्टी पाई गई है अते इन्हां नूं वधेरे ऑक्सीजन प्रदान करन हित इन्हां दीआं संगमरमरी वलगणां नूं बदलिया गया है अते लोड़ अनुसार मोकला कीता गया है। अपनी उम्र व्याज चुकियां ये दुर्लभ बेरियां हुण लगातार डाक्टरां दी नज़रसानी हेठ हन। हरिमंदर परिसर विच भी हर प्रकार की बनस्पति नूं इक नुक्कर विच उगा के हरिमंदर साहब दी ताबियां विच बनस्पति प्रकृति दी पूरी पूरी ते शोभनिक हाजरी लगवाउण दा भी उपराला करना चाहिदा है ताकि परिंद चरिंद जिथे इस स्थान ते अपनी हाजरी भरनाउंदे हन उत्थे लह लहान दे फुल ते घने छत्र वाले रुख भी पवन दी संगत विच हरिमंदर दी शोभा विच झुल के चवर कर सकण। चन्न तारे ते सूरज निरंतर अपनियां किरणां भेज भेज के हरिमंदर नूं सत्कार दे हन। सर्व सृष्टि दे मानव जीव इस नूं नमस्कार दे हन। जल जंतु इस दी संगत विच आनंदित हन। पशु पक्षी इस दी पंछी झात मार के अपना स्नेह व्यक्त करते रहिंदे हन। इसलिए सारे महादीपां दे रुखां नूं भी खुल के मौका मिलना चाहिदा है इस स्थान नाल नेड़ना संपर्क स्थापित करन दा। इस तरह ही वन सवन्नी बनस्पति दा सुखदाई नज़ारा हरिमंदर साहिब दे दर्शनां लई आ यात्रुआं ते श्रद्धालुआं नूं बनस्पति नूं अधिक प्यार ते संभाल करन दा भी संदेश देण विच सहाई सिद्ध हो सकता है ते जिस ते अमल करन नाल प्रदूषित हो रही इंसानी जिंदगी विच कुछ स्वच्छता ते सेहतमंदी प्रवेश कर सकती है। इसलिए गलियारा योजना विच एक विशेष टुकड़ा सुहिरद बनस्पति की नुमाइंदगी लई रखना सर्व कल्याणी भावना का लखायक होवेगा। अजिहा करन नाल हरिमंदर परिसर विच कुदरत होर विकसित होवेगी अते अजिहा वातावरण हरिमंदर ते हरिमंदर प्रेमियों नूं बहुत पाएगा ते मनमोहक सिद्ध होवेगा। हरिमंदर परिसर विच हुण पौद्यां दा जो प्रसाद मिलण लग पिया है उस नाल रुख उगाओ, धियां बचाओ अते पाणियां दा सत्कार करो सभ्याचार नूं बल मिलेगा अते हरिमंदर साहिब तों लै जा के अपने अपने घरां ते इलाकियां विच लगाए जाण वाले रुखां दी ठंडी मिठी छां सानूं हरिमंदर दे बहु परपकारी परोपकारां दी हमेशा सुखद याद दवांदी रहेगी। इस तरह हरिमंदर साडे घरां ते पिंडां दे वातावरण विच प्रवेश करके साडे साहां नूं सुखाला करेगा, साडे जीवन नूं प्यारा करेगा अते साडी मानव हितकारी सोच नूं भी नवीं दिशा प्रदान करेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।